नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं जिनका नाम है FVM एडवाइजरी एंड कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, मैं पहले आपसे क्लियर कर देता हूँ कि ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है। ये एक PMS सर्विसेज है जो कि उड़ीसा से चलती है। PMS यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। हम लोग क्या करते हैं, जैसे शेयर मार्केट के अंदर सब लोगों को पता है कि पोटेंशियल है, लेकिन सब लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने बिजनेस कुछ ना कुछ लेके बैठे हैं। तो क्या होता है कि हम लोग डेली बेसिस पे टाइम नहीं निकाल पाते हैं उनका चार्ट पैटर्न देखने के लिए, उनका न्यूज एनालिसिस देखने के लिए, जो भी शेयर बाजार के अंदर रहता है। इसकी वजह से, कम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हम लोग पैसा गंवाते हैं। तो हम लोग ऐसे एक्सपर्ट लोगों को अपना पैसा हैंड ओवर करते हैं कि जो हमारा पैसा मैनेज कर सके, जिसको हम लोग म्यूचुअल फंड, SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान वगैरह जगह पर हम लोग पैसे डालते हैं। वैसे ही एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिनका नाम है FVM एडवाइजर एंड कंसल्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी ओडिशा से चलती है एंड ये कंपनी PMS चलाती है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसके अंदर कंपनी क्या करती है कि कंपनी आपसे फंड लेती है ट्रेडिंग के लिए। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने जा रहा हूँ पेपर पे। FVM एडवाइजरी एंड कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वो कंपनी तकरीबन तकरीबन 5 साल से चल रही है। वैसे इन लोगों का हिस्ट्री रहा 1996 से इन लोगों को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, जिनके जो इनके ऑनर में जो इनके बॉडीज में बैठे हैं। ठीक है, कंपनी शुरुआत हुई थी FVM एडवाइजरी जो कंपनी है उनका तकरीबन 1 साल हो चुका है, लेकिन जो मैंने आपको 5 साल बताया है उनका एक दूसरा कंपनी चलता था, FVM यानी कि फंड वाइजरी मैनेजमेंट सर्विसेज, जिनको हम लोग FVM बोलते हैं, जिसको तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, कंपनी रेगुलर बेसिस पे पे आउट दे रही है, कंपनी आपको प्रॉफिट शेयरिंग दे रही है। यहाँ पे ना ही कोई कंपनी आपको इंटरेस्ट दे रही है, ना ही कोई आपको फिक्स दे रही है, लेकिन जो आप पैसा डाल रहे हो ट्रेडिंग के लिए, उसको ऊपर कंपनी आपको हर महीने प्रॉफिट शेयरिंग करती है। वो कितना रहता है, कितनी अमाउंट से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। एक पैन कार्ड के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन होता है, पर पैन पर रजिस्ट्रेशन, वन रजिस्ट्रेशन। कंपनी सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके हिसाब से कंपनी लीगलिटीज फॉर्मेलिटीज जो है वो सारी सारी कंप्लीट करते हुए बिजनेस कर रही है। तकरीबन तकरीबन 600 करोड़ का पोर्टफोलियो आज की डेट के अंदर कंपनी हैंडल करती है। इसके अंदर क्या है कि बेसिकली आपको 1000 रुपीज़ एक सिस्टम के अंदर अकाउंट ओपनिंग चार्ज लगता है, यानी कि इसको आप फीस समझ सकते हो। 1000 रुपये दे के आप सिस्टम के अंदर एंट्री ले सकते हो, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए एक चार्ज रखा गया है। उसके बाद आपको कोई चार्जेस पेड नहीं करने हैं, ये अकाउंट ओपनिंग चार्ज है। इसके ऊपर आप 10,000 रुपये से लेके 10,000 के मल्टीप्लाई में आप कितना भी अमाउंट ट्रेडिंग के लिए कंपनी को दे सकते हैं। जो भी आप ट्रेडिंग के लिए कंपनी को पैसा देते हैं, उसके ऊपर कंपनी आपको पर मंथ 3% प्रॉफिट शेयर करती है, PS, जिसको हम PS कहते हैं। ठीक है ना, तो बेसिकली क्या हो गया कि जो भी हम पैसा देते हैं, मोटा मोटा जितना भी कैपिटल हम लोग देते हैं, कंपनी ऑड अमाउंट नहीं लेती है। जैसे 12,750 रुपये हो गया, 33,250 रुपये हो गया, वैसे अमाउंट नहीं लेती। आपको जितना भी पैसा डालना है 10,000 के मल्टीप्लाई में डालना है, यानी कि 10,000 के गुणांक में डालना है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए जितना भी आप डाल सकते हो। और कंपनी पैसा कैश लेती नहीं है, नो कैश। जो भी आपको कंपनी पैसा लेती है वो पैसा बैंक से लेती है एंड बैंक से देती है। ठीक है ना, ओके फाइन। आप जो पैसा डालते हो उसके ऊपर आपको कंपनी पर मंथ 3% का प्रॉफिट शेयर करती है। ये चीज एक हो गई। दूसरी चीज, अगर कोई बंदा ऐसा बोलता है कि भाई मैं तो कंपनी को पैसा दे दूंगा, कंपनी कल सुबह भाग गई तो क्या करेंगे? बेसिकली ये है कि इन लोगों का बहुत ही अच्छा हिस्ट्री रहा, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन कंपनी ऐसा बोलती है कि आप हमें पैसा मत दो। दूसरा ऑप्शन कंपनी ने रखा डीमेट अकाउंट, जिसके अंदर खुद का आपको एक डीमेट अकाउंट खोलना है। जैसे कि आज की डेट के अंदर कंपनी एक जो ये बासान करके एक ब्रोकरेज हाउस है, बासान इक्विटी ब्रोकिंग लिमिटेड,
ठीक है ना। इसके अंदर कंपनी आपका एक डीमेट अकाउंट खोलने जा रही है। वैसे अलग अलग ऑप्शन है आपको पास, एंजल ब्रोकिंग में भी खोल सकते हो, रिलायंस में भी खोल सकते हो, लेकिन अभी कंपनी बासान में खुलवाती है। ये जो आपका डीमेट अकाउंट का फॉर्म रहेगा, ये फॉर्म भरने के बाद आपको पूरा पूरा आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। ये अकाउंट ओपन होने के बाद कंपनी ऐसा बोलती है कि आपको अपने ही डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा रखना है, अपने ही अकाउंट के अंदर। जो भी आप पैसा 10,000 से लेकर शुरुआत करते हो, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 50,000 रुपए, 40,000 रुपए, कोई भी अमाउंट, ये जो पैसा आप कंपनी को दे रहे थे, उसकी जगह आप अपने ही डीमेट अकाउंट में रख सकते हो। तो कंपनी को आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, अपने ही डीमेट अकाउंट के अंदर पैसा है। इसका मतलब ये हो गया कि पैसे आपके ही अकाउंट के अंदर है। जो भी विड्रॉल आएगा, वो जो अमाउंट का विड्रॉल आएगा, वो आपके ही बैंक अकाउंट के अंदर आएगा, क्योंकि डीमेट अकाउंट से विड्रॉल होता है, आपने एक कैंसल चेक दिया हुआ होता है, उसी अकाउंट के अंदर आपका विड्रॉल आएगा। तो कंपनी भाग गई, ये हो गया, वो हो गया, वो कोई झमेला आपको नहीं पालना पड़ेगा। सेकेंड चीज, सेम रिटर्न आपको यहां पर भी मिलेगा, 3%, नियर बाय 3% आपको रिटर्न मिलेगा, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनी आपको रिटर्न 3% फिक्स नहीं देती है, लेकिन आपको 3% के आसपास नियर बाय ट्रेडिंग करके मुनाफा निकाल सकते हो आप। ये सारी की सारी अथॉरिटीज कंपनी अपने पास रखती है, ट्रेडिंग की अथॉरिटीज, ठीक है। ये हो गया हमारा, हम कंपनी को क्या देते हैं एंड कंपनी हमें क्या वापस करती है। ये कोई, मैंने पहले ही बता दिया कि ये कोई चीट फंड कंपनी नहीं है, ये सेबी के गाइडलाइंस के थ्रू ही पूरा पूरा जो भी मतलब कंपेंसेशन प्लान है, जो भी आपको बिजनेस प्लान है, वो पूरा पूरा चलता है। तो कंपनी ऐसा बोलती है कि ये पैसा जो आप कंपनी को ट्रेडिंग के लिए दे रहे हो, जो आप अपने डीमैट अकाउंट के अंदर रख रहे हो, वो पैसा आप अपनी मर्जी हो तब वापस निकाल सकते हो। जब आप विड्रॉल लगाओगे, आपको सीधा सीधा 48 आवर्स के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। यानी कि आपको अपने कैपिटल की बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे आप 10,000 रुपये लगाते हो, तो उसके ऊपर कंपनी आपको पर मंथ 3% देती है, यानी कि सालाना हो गया, 12 महीने का एक हिसाब लेते हैं, तो आपको 36% अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट मिलता है। कंपनी ऐसा बोल रही है कि आपको 1 साल के लिए आपका अकाउंट लॉक रहेगा, फॉर 1 ईयर, ठीक है ना। 1 साल के लिए आपका अकाउंट लॉक रहेगा, तो आपको 36% दिया जाएगा। ये जो 36% है, यानी कि पर मंथ जो 3% है, वो आपको हर महीने के महीने आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप 12 महीने पूरा पैसा रखते हो, 36% आपको मिलता है, प्लस कंपनी आपको एक 10% बोनस भी देती है। यानी कि टोटल आप हिसाब लगाओगे तो 36% प्लस 10% आपका टोटल मिला के हो जाएगा 46%। यानी कि जो बंदा 10,000 रुपये लगाता है, उसके ऊपर उसको सालाना प्रॉफिट हो जाता है 4,600 रुपया। इसके अंदर आप अपना कैपिटल जब मर्जी चाहे तब वापस निकाल सकते हो। अगर आप अपना कैपिटल 1 से 6 महीने के अंदर निकालते हो, तो कंपनी आपको जो ये आप 36 महीने, यानी कि 3 महीने आपको पर मंथ मिलता है, यानी कि टोटल 36% मिलता है सालाना, उसकी जगह आपको पर मंथ 1% दिया जाएगा। यानी कि सालाना अगर आप गिनोगे तो 12% के हिसाब से आपको पैसा आएगा, मंथली 1% एंड 12% एनुअली। अगर आप 6 से 12 महीने के अंदर अपने पैसे निकालते हो, यानी कि जो आपका कैपिटल है वो, तो आपको सालाना 21% के हिसाब से पैसा मिलेगा, यानी कि नियर बाय 2% पर मंथ एंड 21% एनुअली, ठीक है दोस्तों। अब अगर आप 12 महीने पैसे रखते हो, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो आपको 36%, यानी कि पर मंथ 3% प्रॉफिट कंपनी आपको निकाल के दे रही है, आपके साथ शेयर करती है, इनटू 12 मंथ, तो आपका हो गया 36% प्लस 10% आपको बोनस भी मिलता है। लेकिन उसके लिए आपको 1 साल के लिए पैसा रखना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन कंपनी आपको 12 महीने पैसा रखोगे तो एक बोनस भी दे रही है, उसके लिए आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन देते हैं जो कंपनी के, जिसको बोलते हैं कंपेंसेशन प्लान। क्या बोलते हैं? कंपेंसेशन प्लान। कंपेंसेशन प्लान के अंदर एक हमने देख लिया कि हम कंपनी को जो भी ट्रेडिंग के लिए पैसा देते हैं, उसके ऊपर हमें क्या प्रॉफिट मिलता है। एंड दूसरा हो गया, अगर आप बिजनेस करते हो,
तो उसके ऊपर आपको क्या बेनिफिट्स है? अगर आप बिजनेस करते हो तो कंपनी उसके ऊपर आपको दो तरीके के बेनिफिट्स देती है। नंबर वन, एक है इंसेंटिव। इंसेंटिव कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। ये अपना जो ब्रोशर है उसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देता है, यहां पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, सॉरी डेजिग्नेशन, एंड पूरे पूरे 15 लेवल तक का पूरा सब डेजिग्नेशन रखा हुआ है। ये सब पूरा इंसेंटिव के अंदर क्या है कि जो आप बिजनेस करते हो, आपके साथ कोई बंदा 10,000 रुपीज से शुरुआत करता है अपना डीमेट अकाउंट खोल के, या कंपनी को डायरेक्टली पैसा देता है, उसके ऊपर उसको 3% तो आएगा ही आएगा। लेकिन वो बंदा आपका पर्सनल कांटेक्ट है, यानी कि आप उसके लेवल वन के, वो बंदा आपके लेवल वन के अंदर है, तो आपको पर मंथ 2% उसका आएगा, लेकिन ये हर महीने आएगा, 6 महीने के लिए ही मिलता है। ये इंसेंटिव अमाउंट आपको 6 महीने के लिए मिलता है, 6 महीने के बाद ये इंसेंटिव अमाउंट जो है वो बंद हो जाता है। यानी कि फर्स्ट लेवल का 2%, सेकेंड लेवल का 0.5%, थर्ड लेवल का 0.5%, फोर्थ लेवल का 0.25%, ऐसे करते करते आपको 10% तक कंपनी इंसेंटिव बांटती है। यहाँ तक पूरा 15 लेवल तक दिया हुआ है, ये 6 महीने के लिए आता है, 6 महीने के बाद बंद हो जाता है। सेकेंड जो मैंने आपको दूसरा इनकम बताया उसको बोलते हैं सैलरी इनकम। सैलरी इनकम यानी कि रेम्यूनरेशन। जो सैलरी इनकम है वो कैसे होता है वो मैं बताता हूँ। सैलरी इनकम जो है वो टारगेट बेस पे है। जैसे कि आपका पहला टारगेट है 2 लाख रुपए का, यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। जब भी आपका 2 लाख रुपए का बिजनेस हो, कैसे, जैसे कि कोई बंदा 10,000 रुपये डालता है, कोई बंदा 20,000 रुपये डालता है, कोई बंदा 50,000 रुपीज डालता है, जो भी अपनी कैपेसिटीज के हिसाब से पैसा डालता है सिस्टम के अंदर ट्रेडिंग के लिए, तो टोटल मिला के आपकी टीम के अंदर जब भी 2 लाख रुपए का बिजनेस हो तो आपको पहले महीने रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी मिलेगा 3,000 रुपीज। ये हर महीने आएगा, पहले महीने 3,000 रुपीज मिलेगा, प्लस नेक्स्ट मंथ से आपको एक ट्रैवलिंग फंड भी दिया जाएगा जो कि 1,000 रुपये आपका रहेगा 2 लाख रुपये के ऊपर। तो टोटल मिला के नेक्स्ट मंथ से आपका हर महीने जब तक ये 2 लाख रुपये पार्टी का पैसा पड़ा हुआ है, लोगों को पैसा पड़ा हुआ है सिस्टम के अंदर, कंपनी के अंदर, तब तक आपको हर महीने 4,000 रुपया आएगा। 2 लाख रुपये जो आप पैसा लोगों का डालते हैं, लोग मतलब आपके साथ बिजनेस करते हैं, पैसा डालते हैं, तो वो 2 लाख रुपये का जो आपको बिजनेस होगा, कोई 10,000 डालेगा, कोई 20,000 डालेगा, वैसा करके। तो यहाँ पे कंपनी ने एक सिस्टम रखा हुआ है कि वो बिजनेस आपको 70-30 के रेशियो में करना है। 70-30 यानी कैसे, 2 लाख रुपए का 70% कितना हो गया, 1,40,000। अब 30% कितना हो गया, 60,000 रुपये, टोटल मिला के 2 लाख रुपये हो गया। अब ऐसे इस कंडीशन के अंदर बिजनेस होगा तभी आपको ये हर महीने जो सैलरी है वो आपको मिलेगा, 3,000 प्लस 1,000 ट्रैवलिंग फंड यानी कि 4,000 रुपये। अब सेकंड टारगेट है 5 लाख रुपीज। आपका 2 लाख रुपए का बिजनेस हो चुका है, अब नेक्स्ट 3 लाख रुपए का बिजनेस जब भी आपका हो, टोटल मिला के 5 लाख रुपए का बिजनेस आपका जब भी हो जाए, आपको हर महीने 5 प्लस 2,000 रुपये यानी कि 7,000 रुपये आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट है 12 लाख रुपीज, उसके ऊपर आपको 15,000 रुपीज आते हैं। 30 लाख के बिजनेस के ऊपर आपको 35,000 रुपये आते हैं। 30 लाख के बिजनेस के ऊपर 35,000 रुपये आते हैं। 70 लाख के बिजनेस के ऊपर आपको 70,000 आते हैं। 1.5 करोड़ के बिजनेस के ऊपर आपको 1 लाख रुपये आता है। 4 करोड़ के बिजनेस के ऊपर 2 लाख आता है। 10 करोड़ के बिजनेस के ऊपर 5 लाख आता है। ऐसे 15 करोड़ का पोर्टफोलियो कंपनी ने रखा हुआ है, तब तक आपको पैसा मिलता है। यानी कि एक बार कोई बंदा अगर दिल से मेहनत 6-12 महीने कर लेता है, 70 लाख, 1.5 करोड़, 4 करोड़ का बिजनेस कर लेता है, उसको हर महीना 2 लाख रुपये का इनकम आएगा, वाइट इनकम आएगा, TDS के पूरा पूरा। तो दोस्तों इससे बेहतरीन प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नहीं है, ये एक एडवाइजरी फर्म है, ये एक प्रॉफिट शेयरिंग फर्म है, PMS सर्विसेज कंपनी चलाती है। इसके अंदर आपको सबसे बढ़िया बेनिफिट है, आपके पैसे आपके ही अकाउंट में रहते हैं, प्लस आपको जब मर्जी चाहिए आप अपना कैपिटल विड्रॉल कर सकते हो। तीसरी चीज कि आप लोगों को बिजनेस करवाते हो तो उसके ऊपर से आपको बेनिफिट होता है। अब जो भी बंदा इन्वेस्टर है वो अगर पैसे डालता है तो उसके लिए वो कैसे होता है, जैसे कि आप हो गए, आपका एक अकाउंट पैन कार्ड से आपने मान लो कि 10,000 रुपीज का बिजनेस कर लिया। 10,000 प्लस 1,000 रुपये मैंने पहले ही बताया था आपको, एक अकाउंट ओपनिंग चार्ज है।
दोनों का मिला के 11,000 रुपये हो जाता है। आपने 11,000 रुपये लेके सिस्टम में एंट्री कर दी, 1,000 जो है वो फीस है, उसके ऊपर कोई आपको रिटर्न नहीं है, कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है, वो पैसा ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। 10,000 रुपये जो है वही पैसा आपका ट्रेडिंग में जाएगा, तो उसके ऊपर तो उस आपको 3% मिलता ही मिलता है, ठीक है। प्लस अगर दो बंदे आप अपने लगाते हो, मतलब बिजनेस करने के लिए, जैसे आपने पैसा कंपनी को ट्रेडिंग के लिए दिया, वैसे ही दो बंदे और आपको पैसा देते हैं ट्रेडिंग के लिए। मान लो कि एक बंदे ने डाला 1,50,000 रुपये, 1.5 लैक्स, एंड दूसरे बंदे ने डाला 60,000 रुपये, 60,000 रुपीज़। तो ऐसे मिला के अगर आपका 2,10,000 का बिजनेस हो जाता है टोटल मिला के, तो कंपनी आपको जो है यहाँ पे आपको 3% तो आएगा ही आएगा, प्लस सैलरी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मैंने पहले लेवल पे आपको बताया 4,000 रुपये जो है। प्लस आपको ये जो बिजनेस आपका जो डायरेक्ट स्पॉन्सर, यानी कि आपका डायरेक्ट बिजनेस है फर्स्ट लेवल के अंदर है, तो आपका उसका 2% भी आएगा। ये जो आपका बिजनेस हुआ है उसका 2% भी आपको पर मंथ आता रहेगा 6 महीने के लिए, फॉर द 6 मंथ। अगर कोई बंदा इस तरीके से पैसा डालता है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट्स रहता है। दोस्तों, फर्दर क्वेश्चंस क्वेरीज के लिए आप हमें पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड जो ये कंपनी है एफएम एडवाइजरी एंड कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसका बेहतरीन मैनेजमेंट है, आज तक किसी का पेमेंट डिले नहीं हुआ है, जो भी आप पैसा डालते हो वो ट्रेडिंग में जाता है, उस कंपनी ट्रेडिंग करती है बीएससी एंड एनएससी के ऊपर, उसके अंदर से आपको रिटर्न निकाल के देती है, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग आपके साथ करती है। और जो आपका पैसा, जो 3% जो कंपनी आपको दे रही है प्रॉफिट शेयरिंग मुनाफा, वो आपको हर महीने की 10 तारीख को आता है, एंड जो आपका ये इंसेंटिव अमाउंट है, एंड ये जो सैलरी बनता है टारगेट के ऊपर से, वो अमाउंट आपको हर महीने की 6 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। ये बिजनेस करना टोटल ऑप्शनल है, ये करना है तो ही आप कर सकते हो, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो आप कैपिटल ट्रेडिंग के लिए डालते हो डीमैट अकाउंट के अंदर, उसके ऊपर से कंपनी आपको ट्रेडिंग करके पैसा देती है, ये सीधा सीधा बिजनेस कॉन्सेप्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में, थैंक यू।